वेलकम टू द चैनल फॉर जॉब्स। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। कैनाल पटवारी टेस्ट कंप्लीट प्रिपरेशन 2023। कैनाल पटवारी का टेस्ट तकरीबन 11 सब्जेक्ट्स कह लो या टॉपिक्स से बनता है। हर सब्जेक्ट्स की अलग अलग वीडियो, मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पास्ट पेपर क्वेश्चन के साथ डेली बेसिस पर अपलोड की जा रही है। तकरीबन 35 से 40 दिनों में आपकी तैयारी 100% के करीब हो सकती है इसी चैनल फॉर जॉब से। हर सब्जेक्ट्स की साथ साथ प्लेलिस्ट भी बनती जाएगी। अगर कोई वीडियो भी हो जाए या रह जाए तो बाद में इसी चैनल फोर जॉब्स की प्लेलिस्ट में जाकर इजीली सुनी देखी जा सकती है। तो वीडियो का आगाज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द आउटर मोस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। तो इसका राइट आंसर है नेपच्यून, यानी सूरज से सबसे दूर सियारा उसका क्या नाम है, उसका नाम है नेपच्यून। और नेपच्यून को कोल्डेस्ट प्लैनेट यानी ठंडा तरीन सियारा भी नेपच्यून को कहते हैं, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीवियर डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी रिजल्टेंट, यानी सीवियर का मतलब सख्त डिफिशियंसी का कमी विटामिन डी, मतलब विटामिन डी की जो सख्त कमी की वजह से कौन सा मर्ज लाहक होता है, रिकेट्स का। रिकेट्स का मतलब होता है बच्चों के एक मर्ज को रिकेट्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एसआई यूनिट ऑफ चार्जेस, तो इसका आंसर है कॉलम, द एसआई यूनिट ऑफ चार्जेस कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए रिजल्ट, यानी विटामिन ए की कमी से कौन सा मर्ज लाहक होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए रिजल्ट इन नाइट ब्लाइंडनेस यानी अंधापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय, तो रेडियो एक्टिविटी को किसने ड्राफ्ट किया था, उसका नाम है बैक्यूरल, बैक्यूरल ने रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड, तो वो डिवाइस है बैटरी, मतलब कि बैटरी वो डिवाइस है जो कन्वर्ट करती है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सन इज ए, तो सन एक स्टार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज अडल्ट हैज ए ब्लड वॉल्यूम ऑफ अबाउट डैश लीटर, यानी जो एवरेज मतलब के जवान होता है उसमें कितना मतलब खून होता है, तो उसमें 5 लीटर यानी 5 लीटर उसमें ब्लड होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, तो इसमें होता है हाइड्रोजन। यूनिवर्स में जो मोस्टली मतलब अबंडेंट होता है एलिमेंट वो हाइड्रोजन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, तो जमीन पे जो सबसे मोस्टली जो होता है, जो लाजम वो होता है ऑक्सीजन, ये अर्थ पे ज्यादा होता है और यूनिवर्स पे हाइड्रोजन, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच डे ह्यूमन बॉडी ब्रेथ इन डैश लीटर्स ऑफ एयर, तो मतलब है कि एक दिन में जो आदमी है वो ब्रेथ लेता है कितने लीटर, तकरीबन 10,000 से 15,000, ये आप लोगों ने याद कर लेना है, 10,000 से 15,000। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज, तो इसका राइट आंसर है पास्कल, द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कैमरा यूज ए डैश टू फॉर्म एन इमेज, तो इसका राइट आंसर है कन्वेक्स लेंस, ए कैमरा यूज ए कन्वेक्स लेंस टू फॉर्म एंड इमेज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडक्टर, तो इसमें हमें यह बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा मतलब कि कंडक्टर नहीं है, तो वो है मतलब कि ये सभी कंडक्टर्स हैं, एल्यूमिनियम भी है, गोल्ड भी, ग्राफाइट भी, सारे क्या है, ऑल ऑफ आर कंडक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी एन जी स्टैंड फॉर, यानी सी एन जी की फुल फॉर्म क्या है, तो सी एन जी की फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर साउंड, तो इसका राइट आंसर है साउंड के नॉट ट्रेवल थ्रू ए वैक्यूम, मतलब कि जो साउंड है वो ट्रेवल नहीं कर सकती वैक्यूम में, साउंड के नॉट ट्रेवल थ्रू ए वैक्यूम, साउंड मतलब कि बाकी ये सारे गलत हैं, मतलब कि जो साउंड है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती, बाकी गैसेस में, लिक्विड्स में, सॉलिड्स में मेरे ख्याल में कर सकती है। लेकिन इसका राइट आंसर, आपने सिर्फ सवाल को देखना है कि इसमें उन्होंने बताया था कि साउंड का जो राइट मतलब है कि नीचे मतलब दिया हुआ है, साउंड के नॉट ट्रेवल थ्रू ए वैक्यूम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग वेरी हाई टेम्परेचर, तो वेरी हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कौन सा मतलब इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, पैरोमीटर, ये आप लोगों ने याद कर लेना है, पैरोमीटर यूज किया जाता है मतलब एक टेम्परेचर को, मतलब हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउंड वेव्स आर डैश वेव्स, तो इसका राइट आंसर लॉन्गिट्यूडनल, साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्लड पार्ट ऑफ ब्लड इज नोन एज, तो इसका राइट आंसर है प्लाज्मा, द फ्लड पार्ट ऑफ ब्लड इज नोन एज प्लाज्मा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए वेरी लो टेम्परेचर विच फ्रॉम द फॉलोइंग विल फ्रीज एट लास्ट, तो इसका राइट आंसर है सी वाटर, इन ए वेरी लो टेम्परेचर विच फ्रॉम द फॉलोइंग विल फ्रीज एट लास्ट सी वाटर, सी वाटर इसका राइट आंसर है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लैनेट दैट मूव्स राउंड द सन एट द हाईएस्ट स्पीड, तो मरकरी, मतलब जो मरकरी है वो मतलब है कि सबसे ज्यादा सूरज के गिर्द जल्दी चक्कर पूरे करता है, यानी बहुत हाईएस्ट स्पीड के साथ चक्कर पूरे करता है, ये आप लोगों ने याद रखना है, मरकरी, और सूरज के जो सबसे नजदीक है वो भी मरकरी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है GPS इज अब्रिविएशन, मतलब है कि जो GPS की फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ये आप लोगों ने याद करना है, GPS की फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन इज ए केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग द, तो इसका राइट आंसर है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन इज ए केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एट नाइट प्लांट्स इनटेक डैश एंड रिलीज, तो इसका राइट आंसर है दो, जो रात में प्लांट्स इनटेक ऑक्सीजन करते हैं और रिलीज क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये आप लोगों ने याद कर लेना है, जो प्लांट्स हैं जो पौधे हैं वो मतलब इनटेक करते हैं ऑक्सीजन को और रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। नेक्स्ट क्वेश्चन यूरिन इज प्रोड्यूस्ड इन, तो इसका राइट आंसर है किडनीज, यानी जो यूरिन का मतलब होता है पेशाब और किडनीज का मतलब होता है गुर्दे, यानी गुर्दों से ही पेशाब पैदा होता है, तो इसका राइट आंसर है यूरिन इज प्रोड्यूस्ड इन किडनीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेट स्पॉट इज ऑन द प्लैनेट, तो इसका राइट आंसर है जुपिटर, जुपिटर सबसे बड़ा सितारा है और जो सबसे छोटा है वो है मरकरी, और जो वेनस है इसको चमकदार भी कहते हैं और ये गर्म तरीन सितारा भी वेनस है, ये भी याद रखना है, तो ग्रेट स्पॉट है जुपिटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ड्राई आइस, ड्राई आइस क्या है, तो यह है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई आइस है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइजेशन ऑफ फूड इज कंप्लीटेड इन, तो इसका राइट आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी डाइजेशन का मतलब होता है इंतजाम करना, फूड खुराक, जो खुराक का मतलब इंतजाम होता है वो कंप्लीटेड होता है कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन का मतलब होता है आंतें, छोटी आंतों में जाके ये मतलब कंप्लीट हो जाता है सिस्टम इसका। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफ।